प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। बेलपत्र का केवल दैवीय प्रयोग नहीं है, तमाम औषधियों में भी काम आता है बेलपत्र। इसके प्रयोग से आपकी सेहत से जुड़ी तमाम समस्याएं चुटकियों में हल हो सकती हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं बेलपत्र के औषधीय प्रयोगों के बारे में। किसी भी व्यक्ति को अगर उदर रोग है, लीवर से रिलेटेड इशू है, या उसको मुख से लेके पेट तक कहीं पर भी कैंसर की शिकायत है, कहीं पर भी पेट में अग्नि अंग अंदर जख्म हो गए हैं या अल्सर हो गया है, तो मात्र बिल्व पत्र की भस्म, बिल्व पत्र को साक्षात वैसे ही खा के, उबाल के खा लेने से या उसका पाउडर खा लेने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। कैंसर तक के उपाय में बिल्व पत्र का भी प्रयोग होता है, उसके साथ में नीम, शीशम, पीपल और बरगद भी होता है, परंतु बिल्व पत्र मुख्य रूप से कहा गया है। शरीर की गर्मी को शांत करता है और व्यक्ति के शरीर के अंदर बल और ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाता है। बेलपत्र तो अमृत समान कहा गया है। बेलपत्र का रस आंख में डालने से आंखों की ज्योति बढ़ती है। बेलपत्र का काढ़ा शहद में मिलाकर पीने से खांसी से राहत मिलती है। सुबह बेलपत्र का रस पीने से पुराना सिर दर्द भी ठीक हो जाता है। भगवान शिव की हर पूजा अर्चना में बेलपत्र का प्रयोग होता है। जानकारों की माने तो केवल बेलपत्र अर्पित करके भी आप भगवान आशुतोष को प्रसन्न कर सकते हैं। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। फिर प्रसन्न मुद्रा में प्रभु से मनचाहा वर भी मांग सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी विवादों से घिरी रहती है, विवाह बाधा, कोर्ट कचहरी और मुकदमों का चक्कर परेशान कर रहा है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं बेलपत्र के प्रयोग से कैसे मिलेगा मनचाहा वरदान। शिव को मनाने और उनसे कृपा पाने के लिए सबसे कारगर है बेलपत्र का प्रयोग। भगवान शिव की उपासना में फूल पत्र और फल के चढ़ावे का विशेष महत्व है। बेलपत्र के प्रयोग से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है और तमाम शारीरिक समस्याएं स्वयं नष्ट होने लगती हैं, क्योंकि महादेव से जुड़ी हर वस्तु पवित्र और चमत्कारी है। ऐसा माना जाता है कि ये भगवान शिव को अति प्रिय है, जैसे माता सती उनको प्रिय है उसी प्रकार से। ऐसा कहा जाता है कि इसके हर एक जड़ में, तने में, वृक्ष में, इसकी शाखाओं में और पत्ती में अलग अलग रूप में माँ का वास है। जैसे कहीं पत्ती इसकी दक्षिणायनी कहलाती है, कहीं गिरजा कहलाती है इसका तना, इसी प्रकार से इसके हर अंग को भगवान शिव को इसीलिए अति प्रिय माना जाता है कि साक्षात माता सती या पार्वती के स्वरूप में माना जाता है। विल्व का वृक्ष भगवान शिव का ही स्वरूप है। विल्व वृक्ष की जड़ में शिवलिंग स्वरूपी भगवान शिव का वास होता है। शिवलिंग पर गंगा जल के साथ साथ बेलपत्र भी चढ़ाने का विधान है। पूजा में इनके प्रयोग करने से वे बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। बेल के पेड़ को पानी या गंगा जल से सींचने से समस्त तीर्थ का फल प्राप्त होता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।